What's up everyone, welcome back to the channel. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू. मार्केटिंग चैप्टर का नाम है और मार्केटिंग का एक पार्ट ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली अपलोड करा हुआ है, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग सेलिंग, ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं. तो आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर लो. उस पार्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उसको अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो. अब वहाँ से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से देख लो उसको, और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना और चैप्टर को कंटिन्यू करना. एंडिंग की तरफ बिजनेस स्टडीज आ ही गया है, आओ फिर मार्केटिंग को समझते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है. लेट्स सी. अब आज की वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. कौन कौन से तीन टॉपिक्स हैं? सबसे पहला द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, दूसरा द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो कि एग्जाम में पूछा जाने के देर आर हाई चांसेस, हैवी चांसेस ये एग्जामिनेशन में आएगा. तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट साउदर्न इंडिया मार्क कर लेना, ठीक है. अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के साथ. बट पता नहीं मुझे तुम लोगों ने पहला पार्ट देखा है नहीं देखा, तो पहले मैं एक बार मार्केटिंग को फिर से सिंपल शब्दों में डिफाइन कर देता हूँ. देखो, सेलिंग होता है सामान को बेचना, जबकि मार्केटिंग होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए सामान को बेचना. यानी कि सेलिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है. सेलिंग सिर्फ कस्टमर के सामने से शुरू हो जाता है कि सेल करा, बात खत्म. मार्केटिंग कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना, इनिशिएट करना कि किस तरीके से मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करूं. कस्टमर आ गया, अब सिर्फ बेचना नहीं है, कस्टमर के साथ रिलेशंस बनाने हैं, कस्टमर को मेंटेन रखना है ताकि वो बार बार मेरी दुकान पे आए, मेरा प्रोडक्ट बार बार सेल हो. इस पूरे प्रोसेस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा प्रोसेस, इसको ही हम लोग मार्केटिंग बोल रहे थे. मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहली चीज़ नीड्स एंड वॉन्ट्स. देखो, अगर कोई भी आपके पास आ रहा है या कोई किसी सामान की डिमांड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसकी नीड्स या वांट्स हैं. तो सबसे पहले मार्केटिंग का फीचर होता है कि ये देखना कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर चाह क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर किस चीज़ पे पैसा देने के लिए तैयार होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द वांट्स ऑफ द कस्टमर. उसके हिसाब से हम लोग अपना सामान ऑफर करेंगे मार्केट में, तभी बिकेगा, ठीक है. नंबर टू इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि एक पूरा पैकेज बना के देना, एक पूरा फुल फ्रेज्ड सामान बिल्कुल कंप्लीट देना. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक कैमरा बाय करा, तो अगर मैं कैमरा बाय कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे सिर्फ एक कैमरा की बॉडी दे रहे हैं? ऐसा नहीं है. वो कैमरा की बॉडी, उसके साथ लेंस देंगे, एक लेंस के साथ एक बैटरी देंगे, उसका चार्जर देंगे, कई कई ऐसे ऐसे आजकल जैसे व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो व्लॉगर्स के लिए पूरी किट आ रही है, जिसमें वो माइक भी दे रहे हैं, एक वो ट्राईपॉड भी दे रहे हैं, मोनो ट्राईपॉड ही कहते हैं उसको, गोरिल्ला पॉड भी दे रहे हैं. उसके साथ साथ पूरा मतलब किट बना के दे रहे हैं, एक पूरा फ्रेम करके दे रहे हैं. उसको हमने बोला एक पूरा मार्केट ऑफरिंग बनाना, एक पूरा पैकेज बना के देना, दैट इज अ मार्केट ऑफरिंग, सही है. थर्ड पॉइंट क्या आता है? कस्टमर वैल्यू. कस्टमर वैल्यू का मतलब कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करो जो पूरा वैल्यू प्रोवाइड करे कस्टमर को. आपको अगर कोई पे कर रहा है तो वो तभी पे करेगा अगर उसको उसकी वैल्यू दिखेगी. मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना है, मेरे सामने 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कंपेयर करूंगा, फिर उस प्रोडक्ट को बाय करूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफर करेगा. अगर मैं एक मार्कर भी लेने जा रहा हूँ तो इस मार्कर में भी देर आर 10 टाइप्स ऑफ मार्कर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई कि विच मार्कर इज गिविंग मी द बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज, द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. मैं बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करूंगा. तो थर्ड फीचर होगा द कस्टमर वैल्यू, कि मार्केटिंग फोकस करेगा कस्टमर की वैल्यू पे, कस्टमर को इंपॉर्टेंस देगा, वैल्यू प्रोवाइड करना उन्हें. फोर्थ क्या होगा? एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है. एक्सचेंज मीन्स कि दो लोग होने चाहिए, एक सेलर एक बायर, दोनों की नीड्स पूरी होनी चाहिए, एक की नहीं दोनों की. सेलर को प्रॉफिट हो जाए, बायर की नीड सेटिस्फाई हो जाए, उसको जेन्युइन प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए, तो दोनों को भी फोकस करना है. दोनों के पास एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो. सेलर के पास प्रोडक्ट, बायर के पास अमाउंट होना चाहिए, या वट एवर सेलर इज डिमांडिंग, जो भी सेलर मांग रहा है वो होना चाहिए. तो मार्केटिंग में एक एक्सचेंज मैकेनिज्म डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट होता है. तो ये चार फीचर्स आपको लिख के आने हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हो. मार्केटिंग चैप्टर में नंबर नहीं कटते, ध्यान रखना. बिल्कुल सिंपली जो पिछले दो चैप्टर्स करे हैं हमने, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों में टेक्निकल टर्म्स लिखनी जरूरी है.
इस चैप्टर को सिंपली अपने वर्ड्स में लिखो, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या क्या फंक्शंस हैं जो मार्केटिंग में परफॉर्म करे जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखो, अगर मार्केटिंग, मैंने बोला ना मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब पूरे प्रोसेस में अगर प्रोसेस है तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 से लेकर 12 तक 12 पॉइंट्स हैं, और मार्केटिंग में ये सब होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, लेकिन फिर भी ये लगभग सही बिल्कुल स्टेप्स लगे हुए हैं। सबसे पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा मार्केटर सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेगा, अपना सामान बनाने से भी पहले वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर क्या मांग रहा है, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, वही वीडियो बनाओ, समझ रहे हो, दिस इज मार्केटिंग। चेक करना कि किस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो रही है। भाई आजकल अगर कैमराज में हम लोग देख रहे हैं तो कैमराज की बहुत डिमांड है, तो कैमराज की मार्केट अच्छी है, लेंसेज चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, लोग व्लॉगिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो व्लॉगर्स के लिए वो सब कैमराज चाहिए, वो सब लेंस चाहिए, वो सब ट्राईपॉड्स चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे माइक्स चाहिए, माइक्रोफोन्स चाहिए, तो ये सब ट्रेंडिंग है। तो मार्केट को एनालाइज करना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना, सबसे पहला काम गैदर करो, इन्फॉर्मेशन लेके आओ। नंबर टू, मार्केट प्लानिंग। फिर मार्केट प्लानिंग करो कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ किस डेट में कर रहा हूँ, क्या मैं फेस्टिवल ऑफर देने वाला हूँ, क्या मैं बाय वन गेट वन फ्री देने वाला हूँ, मेरा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, मैं कैसे सामान को डिलीवर करूँ, पूरा प्लान करना, एक फ्रेमवर्क बना, ब्लूप्रिंट बना के रखना, वो क्या होता है हमारा मार्केट प्लानिंग। इन्फॉर्मेशन गैदर करी, प्लान आउट कर लिया, सारी चीज़ें लिख ली कि ये मैं करने वाला हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना। अब मैं प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैंने एक बढ़िया सा पूरा मार्केट में एनालाइज कर लिया, और मार्केट एनालाइज करके मुझे पता चल गया कि मुझे आज के टाइम में डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो मुझे एक अच्छा कैमरा डेवलप करना है। कैमरा का एग्जांपल ले लो आज। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कैमरा में हमारे पास कैनन है, हमारे पास निकॉन है, तुम वो लोग ऐसा क्या फीचर हैं जो मिस आउट कर रहे हैं जो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा कि यार अगर व्लॉगर्स हैं तो व्लॉगर्स के लिए एक फ्लिप स्क्रीन, अच्छी सी स्क्रीन होनी चाहिए जो ऊपर ही निकल आए, सामने सामने व्लॉगिंग में अपनी शक्ल देख पाए कि हाँ भाई हेलो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप सब, बिल्कुल बढ़िया होना, सही चल रहा है, घर में सही है सब, मेरे घर में सब सही है, आपके घर में सब सही है ना। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छी सब कुछ, व्लॉगर्स का क्या है कि एक उन्हें बढ़िया व्यू चाहिए कि वो सब दिखा पाए कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या है, क्या चल रहा है, तो प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि एक ही चीज़ की एक स्पेसिफिक साइज बना देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक बेसिक वेट बना देना कि मैंने सेट करा कि मेरे कैमरा का वेट 100 ग्राम होना चाहिए, 150-200 ग्राम होना चाहिए, ज़्यादा भारी कैमरा नहीं, कहाँ संभालते फिरेंगे लोग इतना भारी कैमरा, तो मैं कोशिश करूं कि उसको लाइट से लाइट वेट रखूं और लाइट वेट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि मैंने एक बढ़िया सा ऑफर निकाला कि द लाइटेस्ट कैमराज इन इंडिया, इससे लाइट कैमरा ही नहीं है, आप आराम से व्लॉग करो, बच्चा भी लेके घूम सकता है। तो ये भी इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूँ, मैं ग्रेडिंग करूँ। उसके बाद ग्रेडिंग का मतलब कि मैं ग्रेड्स बनाऊँ, आपके बजट में लो बजट है ये लो बजट कैमरा, मीडियम बजट है ये मीडियम बजट कैमरा, अच्छा बजट है तो इसमें ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ग्रेडिंग, ग्रेड्स निकालना अलग अलग, ये मेरा ए ग्रेड कैमरा, बी ग्रेड कैमरा, सी ग्रेड कैमरा, समझे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, द पैकेजिंग। पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग और लेबलिंग, ये दोनों पिलर्स माने जाते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहले प्रोडक्ट की पैकिंग करना, जैसे लेज को देखो, अलग अलग चिप्स वाले देखो, अलग अलग फ्रूट जूस देखो, कितनी बढ़िया पैकिंग करी होती है, पैकिंग के ही तो पैसे हैं, हवा के ही तो पैसे ले रहे हैं चिप्स वाले, उसमें चिप्स तो 10 ही निकलने हैं 20 रुपीज में, समझ रहे हो। तो पैकिंग एक बहुत बड़ा टूल है जो कि उनकी मार्केटिंग करने में भी हेल्प करता है, आगे आगे उनको एडवर्टीजमेंट करने में भी हेल्प करता है, वो लेज पे उन्होंने वो शक्लें बना दी, वो ऐसे लगा के लोग घूम रहे हैं, समझ रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैकिंग। उसके बाद लेबलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेबल इज व्हाट, लेबल इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आप जानकारी क्या दे रहे हो, आप अपने पैकेट पे क्या क्या लिख रहे हो, कंपनी का नाम दे रहे हो आप, उसके कंटेंट्स दे रहे हो, उसका एमआरपी दे रहे हो, बैच नंबर दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रहे हो, एक्सपायरी डेट दे रहे हो, और डिटेल्स दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज लेबलिंग। तो पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग का काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना नहीं है, प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी है, लोग देख के पैकिंग देख के पहचान लेते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होता है कि अपना एक ब्रांड नेम डेवलप करना, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कैमरा, और कैमरा के बाद मैंने क्या बोला, कैनन। मैं इसको कैमरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के साथ साथ कैनन भी बोल रहा हूँ, तो कैमरा इज इट्स जेनरिक नेम, उसका असली नाम, और ब्रांडिंग उसका ब्रांड नेम क्या है, कैनन।
जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वो स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, एक्टिवा लेने के लिए जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं किसी और कंपनी की स्कूटी, लेकिन वो उसको स्कूटी नहीं बोलेंगे, जाके बोलते हैं कि भैया एक्टिवा दिखा दो। मतलब कि एक्टिवा ने इतना बड़ा ब्रांड नेम तैयार कर लिया कि वो लोग स्कूटी को स्कूटी छोड़ के एक्टिवा ही बोलने लगे। जैसे टूथपेस्ट, लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, बोलते हैं कोलगेट दे दो, सामने वाले ने पेप्सोडेंट दे दिया लेके घर आ जाएंगे, क्लोजअप दे दिया लेके घर आ जाएंगे, बोलेंगे क्या कोलगेट दे दो। तो कोलगेट ने ब्रांड नेम जनरेट करा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, आपको ब्रांडिंग करनी है अपनी, समझे। फिर प्राइसिंग, आप क्या प्राइस सेट कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, अगर आपने बहुत हाई प्राइस रख दिया तो बिकेगा नहीं, बहुत लो रख दिया तब भी लोग समझेंगे क्वालिटी बेकार होगी, तो ना तो बहुत हाई रखा जा सकता ना बहुत लो रखा जा सकता, क्या प्राइस रखें कि मार्केट में जीत जाएं, मार्केट में आगे बढ़ जाएं। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि लोगों की नॉलेज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, कहां पे एडवर्टाइजमेंट करूं। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, वीडियो से पहले ऐड आता है ना, वो ऐड जो है इन बिटवीन भी आता है, कहीं पे भी आ सकता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अस, वही हमारे लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है और कुछ नहीं है। आप लोग को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है ना, कुछ बच्चे इससे भी नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जैसे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ऐड नहीं आएगा, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम लोग कहाँ से अर्न करेंगे। अगर एक अच्छा कैमरा आपको, एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लोग उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, बच्चे उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, उसका ही मैसेज कर देते हैं कि क्या सर ऐड मत लगाया करो। बेटा सोचो ना, हम लोगों को भी तो अपना सब कुछ देखना है ना, सही है ना। तो वो ऐड जो है, वो ऐड क्या है, वो बेसिकली पार्ट ऑफ प्रमोशन है किसी कंपनी के लिए। वो कंपनी अपना प्रोडक्ट आपकी नॉलेज तक ला रही है। जोमैटो, स्विगी, इन्होंने कैसे अपने कंपनीज चलाई, ऐड ऐड ऐड, जितनी यूट्यूब वीडियो खोलोगे जोमैटो स्विगी चल रहा था ना, अब तो कम हो गया। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशन, क्लियर हुआ। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने सामान बनाया और सामान बनाने के बाद उसको फिजिकली मैं कैसे ऑल ओवर इंडिया पहुंचाऊं। अगर मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो मैं बस अपनी सिटी तक, अपने एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड रह जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं सब जगह, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं किस फॉर्म में लेके जाऊंगा, मैं बाय रोड लेके जाऊंगा, बाय एयर लेके जाऊंगा, बाय सी लेके जाऊंगा, कैसे, बाय रेल लेके जाऊंगा, कैसे, तो वो सारा देखना होता है ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टोरेज। अब अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है तो मुझे कॉन्टिन्यूसली अपना मार्केट में प्रोडक्ट देना होगा। मार्केट में तब दे पाऊंगा अगर एडिक्वेट प्रोडक्शन होगा। अब मैंने प्रोडक्शन कर लिया, रखने के लिए वेयर हाउस है नहीं मेरे पास, तो मुझे वेयर हाउसिंग का भी ध्यान रखना है कि मैं उस प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करूँगा, मेरा कितना खर्चा आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। और एट लास्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सामान सेल करने के बाद भी क्या आप सर्विसेज दे रहे हो, क्या आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कंपनी दे रही है, दूसरा नहीं दे रही, तो जो दे रही है उसके कस्टमर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर थोड़े से चीज़ों को देख के ना अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देनी है ताकि आपका कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आ जाती हैं, जो एक आम कंपनी करती है आपको याद हो जाएंगी सिंपली। ये जो जो चीज़ें आप बस अपने माइंड में एग्जांपल ले लेना कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद प्लानिंग करूँगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में उसका डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू करूँगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके अलावा स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें बस इस तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएंगी, समझे। लास्ट आता है हमारे पास आज का टॉपिक, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। अब ये जो फिलॉसफीज हैं ये डे बाय डे धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। फिलॉसफीज का मतलब कि कंपनीज की क्या अप्रोच होती है जब वो मार्केटिंग करती हैं, जब वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करती हैं तो क्या उनके माइंड में अप्रोच होती है, क्या सोच के वो मार्केटिंग करती हैं, तो उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं फिलॉसफीज, ठीक है। फिलॉसफीज डे बाय डे डेवलप हुई हैं, अलग 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 लोगों के अलग अलग अप्रोच हो सकती है, अलग अलग टेक्निक हो सकती है। सबसे पहले फिलॉसफी होती है प्रोडक्शन, दूसरी होती है प्रोडक्ट, दोनों मिलती जुलती हैं। प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है या प्रोडक्शन मार्केटिंग फिलॉसफी जो है ये काफ़ी पहले चला करती थी, जब हमारे पास डिमांड चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था, मतलब इकोनॉमी में बनाने वाले बहुत कम हैं और मांगने वाले कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे इंसान जो भी बनाता था ना बिकता था, तो वहाँ पे कंपनीज ये भी ध्यान नहीं देती थी कि प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, ख़राब बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फोकस सिर्फ किस चीज़ पे था, प्रोडक्शन पे, क्योंकि जो भी बनाओगे बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बेचने वाले बहुत कम है, तो
तो उस सिनारियो में जो फोकस होता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग पे ही होता था कि सामान बना दो, कैसा भी बना दो बिक जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को, उस फिलॉसफी को, उस अप्रोच को क्या बोलेंगे हम लोग, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो अगर आप केस स्टडी देख रहे हो और केस स्टडी में लिखा हुआ है, साफ पता चल रहा है कि कंपनी सिर्फ किस पे ध्यान दे रही है, प्रोडक्शन पे, बस सामान बनना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 फ्लॉप होने लगा। क्यों फ्लॉप होने लगा, कि फिर प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ने लगे, हमारा इंडिया डेवलप होने लगा, कंट्री डेवलप होने लगा, हर कंट्री में ऐसा होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट होने लगी। कई सिचुएशन ऐसा आया कि डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज्यादा हो गया, अब प्रोड्यूसर्स बहुत हो गए, आपस में कॉम्पिटिशन हो गया, तो वहां पे उन्होंने फोकस करना शुरू करा प्रोडक्ट पे, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी देगा उसका बिकेगा भाई, सप्लाई तो बहुत है, डिमांड कम है, तो वहां फोकस किस पे करा गया, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के ऊपर, कि बढ़िया प्रोडक्ट दो, बढ़िया फीचर्स दो। तो वहां पे उस फिलॉसफी को क्या बोला गया, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फेल कर दिया, क्योंकि यहां पे द फोकस वॉज ऑन प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएंगे, अब भाई अगर बनाओगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा, कस्टमर भी वापस आएगा, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई साहब, आपका प्रोडक्ट चाहे बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट चाहे खराब है, अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो तो आप उस सामान को बेच दोगे, समझे। मार्केटिंग में यही तुम लोग अभी आगे MBA करोगे, तुम लोग सीखोगे कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है। अगर एक खराब शर्ट भी है, एक शर्ट में कोई डिफेक्ट भी है, मुझे इसको भी सेल आउट करना है, तो आई हैव टू सेल इट आउट इधर बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी बेचो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। आप अलग अलग ऑफर दो, अलग अलग डिस्काउंट दो, जो जैसे बेवकूफ बना सकते हो बनाओ, सामान बेचना है, उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मेजर फोकस वॉज ऑन सेलिंग, क्वालिटी अच्छी है बुरी है डजंट मैटर, समझे। नेक्स्ट क्या आता है, मार्केटिंग। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग में कहा कि सामान तो बेचना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं ये नहीं कि सेलिंग में आपने एक बार कस्टमर को खराब शर्ट दे दी, वापस आया तो बदल के भी नहीं दी, कस्टमर दोबारा थोड़ी ना आएगा, वो 10 लोगों को और कहेगा कि भाई कहीं से शर्ट ले लियो, उससे मत लियो, वो बेकार, बिल्कुल खत्म दुकानदार है वो, समझे। तो मार्केटिंग क्या बोलता है, मार्केटिंग बोलता है सामान को बेचो विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द फोकस वॉज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। अपने कॉम्पिटिटर को हराओ, यहां पे अपने कॉम्पिटिटर को हराना है, आपका कॉम्पिटिटर वहां पे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप करो, आप बढ़िया सामान दो, अच्छे प्राइस पे दो और उसके साथ सर्विसेज दो, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सिर्फ सेलिंग नहीं, मार्केटिंग पे फोकस करो, समझे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये सबसे ज्यादा चलता है। और लास्ट क्या होता है, सोसाइटल। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया सोसाइटी से, सोसाइटी के बारे में भी सोचो। आप अपने प्रोडक्ट तो बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दो, कम प्राइस पे दो, उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो, कॉम्पिटिटर के बारे में मत सोचो। देखो ये दोनों बहुत सिमिलर है, मार्केटिंग और सोसाइटल, लेकिन मार्केटिंग में मैं अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बना रहा हूँ, सोसाइटल में मैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट पॉल्यूशन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करता एनवायरमेंट को। अगर आप मेरा प्रोडक्ट खरीदते हो तो मैं सोसाइटी में कुछ ना कुछ इसका परसेंट डोनेट करूंगा, दैट इज द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अच्छी चीज भी दे रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो वेमेन वर्कर्स हैं, या बैकग्राउंड एरिया से जो वर्कर्स हैं वो हैं, जिनको मैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा हूँ, सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, समझे। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जिनका मेजर फोकस अगर आपको पता है तो बहुत ईजिली आप लिख सकते हो। प्रोडक्शन सिर्फ फोकस करेगा प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी, सेलिंग सिर्फ बेचना है कैसे भी बेचो, मार्केटिंग कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए बढ़िया पॉलिसीज के साथ बेचो, सोसाइटल सोसाइटी के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करो, अपना बेनिफिट देखो अलॉन्ग विद द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, समझे। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में देने हैं। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है तुम लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे और एक एक चीज माइंड में सेट हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है, बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने वाला है, और कितना प्रिपेयर्ड हो तुम लोग बोर्ड्स के लिए, राइट। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो अपने इस भाई को, थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।